प्रॉपर्टीज जिनको एक थर्मोमीटर को जरूर पूरा करना चाहिए वो क्या है उन्हें देखते हैं। तीन प्रॉपर्टीज बेसिक हैं, जिसमें से पहली है कंस्ट्रक्शन। क्या है कंस्ट्रक्शन? कि थर्मोमीटर को कंस्ट्रक्ट बनाते समय, ये तो पता है सबको कि शीशे का बनाया जाएगा या डिजिटल बनाया जाएगा, लेकिन इस कंस्ट्रक्शन में ध्यान किस बात का देना है? कंस्ट्रक्शन बेस रहता है उस फिजिकल प्रॉपर्टी पर जो टेम्परेचर के साथ वैरी करती है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन इट इज बेस्ड अपॉन द फिजिकल प्रॉपर्टी विच वैरीज विथ टेम्परेचर लीनियरली। यानी उस प्रॉपर्टी का चुनाव बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए कि हमें किस रेंज का टेम्परेचर नापना है। अब पता चला आपको 2000 केल्विन, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर नापना है, तो उसमें हम लोग मरकरी टेम्परेचर नहीं यूज कर सकते हैं, है ना? उसके लिए हमें वो टेम्परेचर चाहिए जो हायर टेम्परेचर, वो थर्मोमीटर चाहिए जो हायर टेम्परेचर को नापने में उसका कंस्ट्रक्शन बिगड़े ना, नहीं तो हमारे शीशे का जो थर्मोमीटर होगा वो तो जाते ही टूट जाएगा। मतलब जैसे ही ज्यादा टेम्परेचर में जाएगा उसका जो ग्लास है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक, यानी कंस्ट्रक्शन उसका खत्म हो जाएगा। तो जैसे वॉल्यूम टेम्परेचर में अगर हम लोगों को वॉल्यूम बेस्ड टेम्परेचर बनाना है तो उसके लिए क्या लिया जाता है? मरकरी या अल्कोहल लिया जाता है। रेजिस्टेंस बेस्ड टेम्परेचर तो उसमें प्लेटिनम वायर लिया जाता है। वॉल्यूम बेस्ड टेम्परेचर के लिए गैस ली जाती है, उसमें हाइड्रोजन भर दी जाती है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या है? कंस्ट्रक्शन में आता है उस फिजिकल प्रॉपर्टी का चुनाव हम कैसे करें कि हमारा जो थर्मोमीटर है वो हमारे डिजायर टेम्परेचर को नापने के लिए क्या रहे, वैलिड रहे। तो कंस्ट्रक्शन बेस करता है उस फिजिकल प्रॉपर्टी के सिलेक्शन पर जो टेम्परेचर के साथ वैरी कर रही है लीनियरली। तो पहली चीज हो गई कंस्ट्रक्शन। अब जब एक बार थर्मोमीटर कंस्ट्रक्ट हो जाता है तो बात आती है उसके कैलिब्रेशन की। यानी हम उस टेम्परेचर को, थर्मोमीटर को कैलिब्रेट करें कि अगर वॉल्यूम इतना बढ़ा तो टेम्परेचर में कितना राइज हुआ, वॉल्यूम अगर कम हो गया तो टेम्परेचर, रेजिस्टेंस किस, अगर रेजिस्टेंस 10 ओम बढ़ गया तो इसका मतलब टेम्परेचर में कितने का वेरिएशन आया है, है ना? तो कैलिब्रेशन के लिए क्या करते हैं हम लोग, यूज करते हैं लॉज का, गैसियस लॉज का यूज किया जाता है और तमाम लॉज का यूज किया जाता है कि किस तरीके से कोई प्रॉपर्टी टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही है उससे रिलेटेड हम क्या करें, एक स्केल कैलिब्रेट करें। तो कैलिब्रेशन में स्केल बनाई जाती है, और स्केल बनाने के लिए क्या चाहिए होते हैं हमें, फिक्स्ड पॉइंट। और ये फिक्स्ड पॉइंट क्या होते हैं, जो बेसिकली यूज किए जाते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस को ही फ्रीजिंग ऑफ वाटर भी बोलेंगे, या फ्रीजिंग ऑफ वाटर, भाई जहां पानी जमना शुरू होता है उसी टेम्परेचर पर बर्फ पिघलना शुरू होती है। दूसरा क्या है, स्टीम पॉइंट, है ना, जिस पर पानी खौलना शुरू होता है जिसको बॉइलिंग पॉइंट आप बोलते हैं। इसके बाद क्या है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिल्वर, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गोल्ड। तो गोल्ड और सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट पानी से क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो अगर हमें हायर रेंज का टेम्परेचर बनाना है तो उसके लिए हम क्या लेंगे, गोल्ड या सिल्वर के मेल्टिंग पॉइंट्स और उसके जो फ्रीजिंग पॉइंट्स है उसको। तो ये डिपेंड करता है कि हमें अपना थर्मोमीटर किस पर्पस के लिए यूज करना, उस तरीके का हम अपना कैलिब्रेशन यूज करते हैं। इसके बाद आती है थर्ड प्रॉपर्टी है सेंसिटिविटी। हमारा थर्मोमीटर बहुत सेंसिटिव होना चाहिए। तो सेंसिटिव होने का मतलब क्या है, पहली चीज कि थर्मोमीटर अगर सेंसिटिव होगा तो करेगा क्या, बहुत कम ड्यूरेशन में वो टेम्परेचर मेजरमेंट कर देगा। यानी टेम्परेचर शुड बी मेजर्ड इन स्मॉल टाइम इंटरवल। यानी पहली चीज तो बहुत जल्दी उसको टेम्परेचर को सेंस कर लेना चाहिए, पहली चीज जो सेंसिटिविटी की पहली प्रॉपर्टी है। सेकेंड क्या है कि अगर टेम्परेचर में थोड़ा सा भी वेरिएशन आता है
तो हमारा जो थर्मोमीटर है वो उस वेरिएशन को शो कर पाए, ऐसा ना हो कि वो 99.9 फ़ारेनहाइट पर भी वही लेवल दिखा रहा है, 99.100 पर भी वही दिखा रहा है, 99.7 पर भी। यानी जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो, तुरंत स्केल को भी क्या हो जाना चाहिए, चेंज हो जाना चाहिए। यानी इट कैन डिटेक्ट या इट शुड डिटेक्ट स्मॉलर चेंजेस इन, इट शुड डिटेक्ट स्मॉलर चेंजेस इन टेम्परेचर इजिली। और तीसरी चीज क्या है, देखिए जो थर्ड प्रॉपर्टी है कि इसकी जो सेल्फ हीटिंग है वो बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी हमारा थर्मोमीटर एनर्जी हंग्री नहीं होना चाहिए कि खुद गर्म होने के लिए उसको बहुत ज्यादा हीट कंज्यूम करनी पड़े, है ना। यानी इट शुड नॉट बी एनर्जी हंग्री, दैट इज सेल्फ हीटिंग शुड बी लो, शुड बी लो। यानी टेम्परेचर, थर्मोमीटर अपने मटेरियल को गर्म करने के लिए जो उसकी लेने वाले हीट का अमाउंट है वो बहुत कम होना चाहिए। अगर वो बहुत ज्यादा हीट ले लेगा तो बॉडी का टेम्परेचर सही डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये किसी टेम्परेचर की एसेंशियल रिक्विजाइट्स थी जो प्रॉपर्टीज हमारे थर्मोमीटर में पाई जानी चाहिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कितने तरह के थर्मोमीटर होते हैं और उसमें से जो हमारे कोर्सेज में है वो थर्मोमीटर्स पढ़े जाएंगे। तो बच्चों ये है थर्मोमीटर्स की कुछ टाइप। यानी थर्मोमीटर्स का क्लासिफिकेशन इस बेस पे किया गया है कि उनमें कौन सी, उनका कंस्ट्रक्शन कैसा है, कंस्ट्रक्शन के बेस पर उसका ये क्लासिफिकेशन है। जिसमें पहला क्या है, लिक्विड थर्मोमीटर जो हम लोग यूज करते हैं, यानी जो क्लिनिकल या जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है वो हमारा कैसा है, लिक्विड थर्मोमीटर, ठीक है। तो लिक्विड थर्मोमीटर में जो लिक्विड हम यूज करते हैं उसका वॉल्यूम किस तरीके से चेंज होता है टेम्परेचर के साथ, यानी चेंज इन वॉल्यूम विद टेम्परेचर, इसको मेजर करके स्केल के कैलिब्रेशन से क्या किया जाता है, टेम्परेचर मेजर किया जाता है। जो मैनुअल हमारे थर्मोमीटर्स होते हैं जो ज्यादा यूज किए जाते हैं वो लिक्विड थर्मोमीटर्स होते हैं। और उसमें कौन सा लिक्विड यूज हम करते हैं, ज्यादातर मरकरी। और आइस पॉइंट के पास अगर, यानी 0 डिग्री के थोड़ा सा ऊपर नीचे की रेंज में अगर यूज करना है तो अल्कोहल का यूज किया जाता है, और अदरवाइज पेंटेन और इस तरह के कुछ लिक्विड्स यूज किए जाते हैं। अब तो काफी ज्यादा लिक्विड्स खोज लिए गए हैं। दूसरा है गैस टेम्परेचर, गैस थर्मोमीटर, सॉरी गैस थर्मोमीटर में क्या है कि इसमें जो हमारा वर्किंग सब्सटेंस है वो गैस होता है। अब जो गैस होगी तो टेम्परेचर के साथ गैस के क्या प्रेशर भी वैरी करता है और वॉल्यूम भी वैरी करता है। तो दो तरीके के थर्मोमीटर से बनते हैं, कौन कौन से, एक कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम को कांस्टेंट रखकर हम किसका प्रेशर का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ देखते हैं। तो इसको स्थिर आयतन दाब मापी, हाइड्रोजन गैस कॉन्स्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर बनता है इससे। फिर कांस्टेंट प्रेशर, तो इससे ग्रिफिथ और कैलेंडर का कांस्टेंट प्रेशर बनता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं वॉल्यूम का वेरिएशन देखते हैं किससे, टी के साथ में। और ये सारे वेरिएशन कैसे होते हैं, लीनियर। फिर तीसरा है रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, जो रेजिस्टेंस के टेम्परेचर के साथ चेंज को डिटरमाइन करके टेम्परेचर फाइंड किया जाता है। और वो फॉर्मूला आप लोग इलेक्ट्रिसिटी में पहले भी पढ़ चुके हैं कि RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T, जहां पर RT क्या है, T डिग्री पर टेम्परेचर, R0 है 0 डिग्री पर टेम्परेचर, और अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। और कंडक्टर्स के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और सेमीकंडक्टर्स के लिए क्या होती है, नेगेटिव होती है। और इसमें जैसे इसके एग्जांपल है प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, ये हम लोगों को आगे पढ़ना भी है। फिर है थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर्स, तो थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर्स क्या है, ये थर्मोकपल पे काम करते हैं। और थर्मोकपल दो इस तरीके के कंपोनेंट्स या इस तरीके के सब्सटेंस लिए जाते हैं, जिसमें से एक क्या होगा, बहुत हाई कंडक्टिविटी का होगा और दूसरे की रेजिस्टिविटी बहुत हाई होगी। यानी दो विपरीत इलेक्ट्रिसिटी के बिहेवियर वाले वायर्स लिए जाते हैं और उनका एक सिरा एक ऑयल बाथ में, यानी एक गर्म तेल में रखा जाता है, और दूसरा सिरा किसमें, बर्फ में रखा जाता है। तो उन दोनों तारों के, यानी उस दोनों तार के बीच में, उस कपल के बीच में क्या हो जाता है, टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो ये घटना क्या कहलाती है, सीबेक इफेक्ट, यहां पर लिखा हुआ है, ये पहले इंटरमीडिएट के कोर्स में था लेकिन अब हटा दिया गया है। तो कितना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा हुआ उससे टेम्परेचर डिफरेंस का पता लगता है। तो ये
थर्मो इलेक्ट्रिक, और इसमें यूज किया जाता है थर्मोकपल, ठीक है, जैसे कॉपर और कॉन्स्टेंटन का थर्मोकपल, इस तरीके से कई सारे थर्मोकपल यहां बनाए गए हैं। फिर देखिए, अगर फर्नेस का टेम्परेचर यानी बहुत हाई टेम्परेचर नापना है तो वहां पर हमें क्या, स्टीफन्स लॉ का यूज करना। स्टीफन्स लॉ क्या होता है कि किसी भी सरफेस के यूनिट एरिया से पर सेकेंड निकलने वाली जो रेडिएशन का अमाउंट होता है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर की फोर्थ पावर के प्रोपोर्शनल होता है ना। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर 4 बराबर सिग्मा करके आता था स्टीफन्स लॉ, आप लोगों ने पढ़ा होगा कक्षा 11 में। तो इनको पायरोमीटर्स भी बोलते हैं। तो ये रेडिएशन थर्मोमीटर होते हैं, यानी किसी बॉडी या किसी सिस्टम से निकलने वाली पर यूनिट एरिया पर सेकेंड रेडिएशन को कैलकुलेट करके उसका टेम्परेचर स्टीफन्स लॉ के यूज करके बनाते हैं। और ये स्टीफन्स लॉ होता क्या है, E इज प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर 4 या एमिसिविटी इज इक्वल टू सिग्मा T टू द पावर 4। ये ब्लैक बॉडी के लिए होता है, अगर कोई नॉर्मल बॉडी है तो उसकी एमिसिविटी यहां पर मल्टीप्लाई भी कर दी जाती है। इसके बाद है वेपर प्रेशर, बहुत लो प्रेशर, बहुत लो टेम्परेचर्स को मेजर करने के लिए वेपर प्रेशर, यानी इसमें वेपर प्रेशर का चेंज टेम्परेचर के साथ देखा जाता है। फिर है मैग्नेटिक थर्मोमीटर्स। मैग्नेटिक थर्मोमीटर्स, हम लोगों को यह पता है कि मैग्नेटिक मटेरियल अगर कोई है तो उसके उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है जिसको हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं, यानी चुंबकशीलता है ना, इसको हम लोग जाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जाई जो है टेम्परेचर बढ़ाने पर, कोई भी हो, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो या पैरामैग्नेटिक हो, ये टेम्परेचर बढ़ाने के बाद एक स्थिति ऐसी आती है कि ये किसमें बदल जाते हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल में, ठीक है, यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसमें जो सेंसर लगा होता है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ ये देखा जाता है कि उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यानी जाई में कितना चेंज आ रहा है। तो जाई का चेंज टेम्परेचर के साथ डिटेक्ट करके यहां पर क्या किया जाता है, मैग्नेटिक थर्मोमीटर बनाया जाता है। तो ये कुछ हमारे बेसिक थर्मोमीटर्स के टाइप थे जिसमें से अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं हमारा पहला लिक्विड थर्मोमीटर्स का एक टाइप, मर्करी थर्मोमीटर। तो देखिए, ये एक लिक्विड बेस्ड थर्मोमीटर यानी मर्करी थर्मोमीटर का एक रॉ डायग्राम मैंने फिगर बना दिया है, इसके मेन पार्ट्स जिसे हम उनको पता लग जाए। तो ये आपके देखने वाला जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसी की तरह है, या लेबोरेटरी में जो थर्मोमीटर यूज होता है उसके जैसा है, जिसमें सबसे नीचे की क्या है, बल्ब लगा हुआ है जिसमें मरकरी या जो लिक्विड हम लोग यूज करना चाहते हैं। मरकरी के अलावा क्या यूज किया जाता है, अल्कोहल यूज किया जाता है, पेंटेन, टॉलोइन, ये सारी चीजें भी यूज की जाती है, लेकिन हमारे यूज वाले में मरकरी सही है, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि इसका जो रेंज होता है टेम्परेचर मेजरमेंट का वो बहुत ज्यादा है। तो यहां पर देखिए, ये क्या है, टेम्परेचर सेंसिंग बल्ब है। इसी बल्ब को हम जो है उस डिवाइस पे रखते हैं जिसका हमें टेम्परेचर निकालना रहता है, यानी ये बल्ब पूरा का पूरा डूबा होना चाहिए, ठीक है। और उसके अंदर ये क्या भरी हुई है, यहां पर मरकरी भरी हुई है, ठीक है ना। ये मरकरी क्या होगी, जहां टेम्परेचर पाती है यानी इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक्सपैंड करने लगती है, और इस ये जो कैपिलरी है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेम या बोर बोलते हैं ना, ये छोटी पतली सी कैपिलरी है, और इसी कैपिलरी में क्या होता है, ये मरकरी ऊपर चढ़ जाती है और इससे कैलिब्रेटेड ये स्केल है, अभी आपको बताता हूं कि कैलिब्रेशन कैसे होता है। और यहां पर ये ट्यूब ऊपर की तरफ ऐसे एक स्फेरिकल शेप से पैक होती है, तो ये सेफ्टी बल्ब कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर जो एयर भरी हुई है, जब मरकरी इसमें ऊपर चढ़ेगी तो ये एयर क्या होती है, इसके बीच की जो एयर है ये क्या होती है, प्रेस होती है ना, दबती है, तो ये एयर इस मरकरी के कॉलम को नीचे की तरफ ढकेलेगी, यानी जो हमें टेम्परेचर जो पता करना है वो टेम्परेचर यहां पर क्या होगा, हमें एक्चुअल टेम्परेचर पता करने में फिर एरर आने लगेगी, तो वो एरर ना आए इसलिए यहां पर ये स्केल ये बना रहता है ताकि जो एयर है वो कंप्रेस होकर के इस बल्ब में आ जाए, ठीक है। और बहुत से जो बहुत सोफिस्टिकेटेड टेम्परेचर थर्मोमीटर्स होते हैं उसमें क्या, यहां पर हीलियम या जो हमारी इनर्ट गैसेस हैं वो भर दी जाती हैं बहुत लो मतलब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर, ताकि जो है इसका ऑक्सीडेशन भी ना होने पाए, ठीक है। तो अब यहां पर ये देखना है कि पहली चीज इसका कैलिब्रेशन कैसे किया जाता है, सबसे पहली चीज क्या है, कैलिब्रेशन कैसे होगा। तो कैलिब्रेशन के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इस मरकरी के टेम्परेचर को ठंडी बर्फ में रखा जाएगा, है ना, यानी आइस पॉइंट में रखा जाएगा। तो उस आइस पॉइंट में मरकरी जहां पर मरकरी का लेवल जहां पर आकर के स्टेबल हो जाएगा उसको मार्क किया जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसको एक
डिस्टल वाटर के मतलब डिस्टल वाटर के खौलते हुए डिस्टल वाटर में रखते हैं ताकि स्टीम पॉइंट मिल पाए, और स्टीम पॉइंट पर जहां पर जाकर के मरकरी का लेवल क्या हो जाएगा, स्टडी हो जाएगा, रुक जाएगा, वहां पर उसको क्या किया जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड नापा जाता है, मार्क किया जाता है, और उसके बीच का जो पोर्शन है उसको 100 बराबर डिग्रीज में बांट करके हर खाने को 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे इस तरीके से इसको ये स्केल कैलिब्रेट कर दी जाती। तो ये तो हुआ कैलिब्रेशन, यानी कैलिब्रेशन के लिए क्या करते हैं, पहले इसको एक बार आइस में रखेंगे आइस पॉइंट पर, तो मरकरी का जो लेवल आएगा वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड कहलाएगा। फिर इसको डिस्टल वाटर, बॉइलिंग डिस्टल वाटर में रखा जाता है स्टीम पॉइंट पर, तो मरकरी का लेवल उठ करके जहां पर आएगा वो पॉइंट क्या हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड के तरह से मार्क किया जाएगा, और उसके बीच का जो ये स्टेम है इसको 100 हिस्सों में बांट देते हैं बराबर, और ये बराबर 100 हिस्से क्या कहलाते हैं, हर हिस्सा 1 डिग्री कहलाता है। तो ये हो गई इसकी कैलिब्रेशन। जैसे बहुत ज्यादा चीजें लिखने वाली नहीं है, अब इसमें जो चीज हमें पढ़नी है वो क्या है कि एडवांटेज क्या है इसका, एडवांटेजेस ऑफ मरकरी। इसमें मरकरी को लेने के एडवांटेज क्या है, तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है, इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, है ना। तो मरकरी एक ऐसा कंडक्टर है जो किसमें पाया जाता है, लिक्विड टेम्परेचर पर, सॉरी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, पहली चीज। सेकंड, लो स्पेसिफिक हीट, यानी मरकरी की स्पेसिफिक हीट कितनी होती, बहुत लो, यानी मरकरी अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ज्यादा एनर्जी स्टोर या ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब नहीं करेगा। थर्ड, हाई कोहेसिव फोर्सेस। हाई कोहेसिव फोर्सेस का मतलब जो ससंजक बल है मरकरी और मरकरी के बीच में लगने वाले जो कोहेसिव फोर्सेस है वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, किससे, ग्लास और मरकरी के बीच लगने वाले एडहेसिव फोर्सेस से। इन बातों को आप साथ में लिखते चलिए, ठीक है, कि कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ मरकरी आर मोर लार्जर देन एडहेसिव फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन मरकरी एंड ग्लास। तो इससे होता क्या है कि मरकरी ग्लास से चिपकती नहीं है, है ना, और जैसे जैसे मरकरी उतरती जाएगी हमारा जो स्टेम है ये खाली होता चला जाएगा, ठीक है। फोर्सेस ड्यू टू विच इट डज नॉट वेट द स्टेम, ये जो स्टेम है जो कैपिलरी है इसको गीला नहीं करती है, ठीक है। चौथा, और वाइड रेंज, मरकरी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, -35 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है, 357 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी -35 डिग्री से लेकर के 357 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर रेंज ये कवर करती है। तो क्या क्या चीजें हो गई, पहली चीज तो ये लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर, दूसरा स्पेसिफिक हीट बहुत लो है, तीसरा कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन इसका बहुत ज्यादा होता है, यानी थोड़ी सी हीट देने पर क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन बहुत ज्यादा होने लगेगा, ठीक है, यानी हायर वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोफिशिएंट। कहने का मतलब कि थोड़ा सा भी टेम्परेचर अगर रेज होता है या डाउन होता है तो मरकरी का जो लेवल है, मरकरी का वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है, जिसके कारण इसका मरकरी का लेवल क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी चेंज होने लगता है, ठीक है। तो कंडक्टर है इसलिए हीट को बहुत जल्दी सेंस कर लेता है, और रेंज बहुत ज्यादा है, -35 -36 डिग्री से लेकर के 357 डिग्री सेंटीग्रेड तक की रेंज को कवर करता है। हाई कोहेसिव फोर्सेस होते हैं, गीला ना करने का गुण होता है, यानी ये जो हमारा बोर है उसको गीला नहीं करता है, और स्पेसिफिक हीट इसकी बहुत होती है, यानी ये मरकरी खुद गर्म होने के लिए बहुत कम हीट यूज करता है। इसके बाद देखो मरकरी का जो सरफेस होता है, मतलब मरकरी का जो अपीयरेंस होता है वो कैसा होता है, शाइनी अपीयरेंस होता है,
यानी दिखने में कैसी, ये जितनी दूर चढ़ेगी उतनी दूर में एक चमकदार ट्यूब दिखेगी, तो इसको देख पाना या देख करके पढ़ पाना ज्यादा इजी होता है, ठीक है। तो ये कुछ थे मरकरी के एडवांटेजेस। अब हम लोग देखते हैं कि इस मरकरी थर्मोमीटर के इसकी लिमिटेशंस क्या है या इसमें क्या क्या एरर पैदा होती हैं। तो देखिए, हमें वैसे कुछ नॉर्मल सी एरर्स इसकी लिखनी है, क्योंकि एग्जाम में अगर आता है तो चार पांच एरर या तीन चार एरर्स कम से कम आपको लिखना चाहिए, ताकि आपने क्वेश्चन का आंसर जो है वो सिग्निफिकेंट हो जाए थोड़ा सा नंबर पाने के लिए, है ना। तो सबसे पहली चीज जो है वो है शिफ्टिंग ऑफ जीरो। क्या है? शिफ्टिंग ऑफ जीरो। जीरो की शिफ्टिंग कहे या स्केल की शिफ्टिंग कहे, देखो जब ये थर्मोमीटर बनाया जाता है तो ये जो ग्लास है ये गर्म से ठंडा होने में थोड़ा सा समय लगता है, और नॉर्मली क्या की जाती है, हॉट ग्लास पर जब ये थोड़ा सा गर्म होता है उसी समय इस पर स्केलिंग की जाती है। तो इस तरीके से जो स्केलिंग होती है, यानी ग्लास को एक बार एकदम एक्सट्रीमली गर्म कंडीशन में रखना, फिर एकदम ठंडी कंडीशन में रखना, तो जब ये ग्लास नॉर्मल यानी रूम टेम्परेचर पर जब आता है तो इसमें कुछ एक्सपेंशन या कंट्रैक्शन होता है। यानी अगर एकदम गर्म से लेकर के आ रहे हैं रूम टेम्परेचर पे तो क्या होगा, ग्लास सिकुड़ेगा, और अगर ठंडे से रूम टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे आएगा तो टेम्परेचर कितना बढ़ गया, 25 डिग्री बढ़ गया ना, तो ग्लास में कुछ ना कुछ एक्सपेंशन हो जाता है, जिसके कारण जो वो मार्किंग होती है 100 डिग्री पर 100 की मार्किंग होगी, और एकदम लो टेम्परेचर पर 0 डिग्री पर किसकी होती है, 0 की मार्किंग होती है। तो ये जो अलग अलग टेम्परेचर पर मार्किंग करते हैं उसके कारण क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर ये मार्क्स अपनी जगह से क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, जीरो अपनी जगह से शिफ्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि गर्म के बाद ग्लास कंट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है, और ठंडे के बाद ग्लास एक्सपैंड करता है, ठीक है। तो उसके कारण जो है, जो हमारा जीरो है उसकी शिफ्टिंग की हो जाती है। तो पहला जो एरर आता है ये जीरो की शिफ्टिंग के कारण, और जीरो शिफ्टिंग क्यों आती है, ड्यू टू मेथड ऑफ कैलिब्रेशन। कैलिब्रेट करने के कारण ये दिक्कत आती है। सेकंड, अगर ये जो हमारा स्टेम है ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये स्टेम कैसा है, बीच में अगर ये कहीं पर मोटा या पतला है, तो जहां ये पतला होगा वहां पर स्पेस कम है तो मरकरी ज्यादा ऊपर चढ़ जाएगी, स्पेस कम है ना तो मरकरी क्या हो जाएगी, ज्यादा ऊपर चढ़ जाएगी, तो वो टेम्परेचर जितना है उससे ज्यादा टेम्परेचर शो करेगी, ठीक। अगर स्टेम चौड़ा हो गया यानी मोटा हो गया है, फैल गया है, तो मरकरी को अगर मान लो 10 डिग्री मतलब 10 चढ़ना था तो वो 9.5 या 9.4 या 9.3 तक ही चढ़ पाएगी, यानी कम टेम्परेचर बता रही है। तो दूसरा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्टेम। देखिए, इसीलिए कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि ये जो मरकरी टेम्परेचर थर्मोमीटर होता है, अगर इससे लगातार हम लोग हाई टेम्परेचर को नापते हैं या बहुत लो टेम्परेचर को नापते हैं, जो स्टेम होता है वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है, क्योंकि स्टेम की चौड़ाई फैलने और सिकुड़ने के कारण क्या हो जाती है, कहीं कहीं पर यूनिफॉर्म नहीं रह जाती है। तो उसके कारण ये दो, अगर एक नए थर्मोमीटर और एक पुराने थर्मोमीटर से टेम्परेचर हम लोग नापे तो कुछ डिफरेंस आने लगता है। वो डिफरेंस इसीलिए आता है क्योंकि बोर क्या हो जाती है, नॉन यूनिफॉर्म हो जाती है। तो नॉन यूनिफॉर्म में बोर जहां पर क्या हो जाएगी, नैरो बोर, जहां बोर क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी, वहां पर टी ऑब्जर्व यानी जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, एक्चुअल टेम्परेचर से ज्यादा नाप लेता है, क्योंकि पतली बोर होने के कारण मरकरी ज्यादा ऊपर चढ़ जाएगी, टी ऑब्जर्व विल बी ग्रेटर देन टी एक्चुअल। और अगर वाइडर बोर है यानी बोर अगर फैल गई है तो टी ऑब्जर्व विल बी लेस देन टी एक्चुअल, एक्चुअल टेम्परेचर यहां तक नापता है लेकिन नीचे बोर चौड़ी हो जाने के कारण ये यहीं तक आ पाया, एक्सपेंशन तो वही हुआ लेकिन बोर चौड़ी हो जाने के कारण अब ये उतनी ऊंचाई नहीं अटेन कर पा रहा जितनी एक्चुअली इसको करनी थी। तो एक तो ये हो गया। थर्ड है हमारे बल्ब। ये जो बल्ब है जब इसको हम किसी गर्म बॉडी पर रखते हैं यानी हाई टेम्परेचर सपोज करिए आप नाप रहे हैं, तो एक्सपेंशन के कारण ये बल्ब भी तो फैल जाएगा। बल्ब के कारण कई सारे एरर्स आते हैं। पहली चीज एक्सपेंशन ऑफ बल्ब, बल्ब के कारण पहला है एक्सपेंशन ऑफ बल्ब। बल्ब अगर हाई टेम्परेचर पे हम काम कर रहे हैं तो बल्ब एक्सपेंड कर जाएगा,
यानी मरकरी का ये लेवल जो यहां पर है, अगर ये बल्ब एक्सपैंड कर गया तो ये कहां आ जाएगा, मरकरी का ये लेवल यहां आ जाएगा, है ना। अब जो टेम्परेचर नापेगा वो क्या होगा, हमेशा कम बताएगा, एक्चुअल से कम टेम्परेचर बताएगा, तो एक्सपेंशन ऑफ बल्ब है ना। दूसरा क्या है, अगर हम लगातार लो टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं तो ये कांच क्या होगा, कांच का बल्ब सिकुड़ जाएगा, यानी पतला हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, कंप्रेशन या इसको कंट्रैक्शन बोलते हैं, सिकुड़ जाना और कंट्रैक्शन हो जाएगा। तो एक्सपेंशन में क्या हो जाएगा, जो टी ऑब्जर्व्ड है वो लेस देन होगा टी एक्चुअल से, जितनी ऊंचाई चढ़ना उतना नहीं चढ़ पाएगा क्योंकि इसकी जो प्राइमरी लेवल है यही नीचे आ गया है। अब अगर ये बल्ब लगातार हम लो टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं तो ये बल्ब क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा यानी सिकुड़ जाएगा। तो जो मरकरी का लेवल नॉर्मल यहां पर है वो धीरे धीरे कहां आ जाएगा, चढ़ते चढ़ते यहां आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। अब अगर सपोज करिए कि नॉर्मल पर मरकरी को यहां पर चढ़ना था, तो जब ये पहले से ही थोड़ा सा ऊपर चढ़ा हुआ है तो अब ये जो रीडिंग देगा वो यहां की देगा, यानी जो ऑब्जर्व टेम्परेचर होगा वो एक्चुअल टेम्परेचर से ज्यादा नापेगा। तो इसमें क्या होगा, टी ऑब्जर्व विल बी ग्रेटर देन टी एक्चुअल। तो ये क्या हुआ, ये हुई किसके कारण, बल्ब के कंप्रेशन या एक्सपेंशन के कारण, पहली चीज। चौथा क्या है, बल्ब की जो स्पेसिफिक हीट है, यानी बल्ब की हीट हंगर के कारण, स्पेसिफिक हीट ऑफ बल्ब। भाई क्या होगा कि ये हीट जो है पहले तो बल्ब को जाएगी, बल्ब कुछ हीट अब्सॉर्ब करेगा, फिर बाकी की हीट क्या करेगा, वो मरकरी को देगा। इसीलिए जो मरकरी का जो इस थर्मोमीटर का जो सबसे नाजुक हिस्सा होता है वो उसका बल्ब होता है, क्योंकि बल्ब बहुत पतले कांच का बनाया जाता है, इसलिए कि जितनी हीट उस कांच को मिली है वो तुरंत मरकरी को मिल जाए, एब्जॉर्प्शन जो हीट का है उसको कम करने के लिए। तो जो स्पेसिफिक हीट ऑफ बल्ब, यानी सम हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द बल्ब, ड्यू टू विच लोअरिंग इन रीडिंग अकर्स। ये ठीक उसी तरीके से जैसे कोई गर्म चीज है आप हाथ से छू दीजिएगा तो बहुत गर्म लगेगी, लेकिन एक पेपर या एक कपड़ा लगा करके ऐसे छुएंगे तो वह कम गर्म लगती है। क्यों, क्योंकि उससे पर सेकंड निकलने वाली जो हीट होगी उसका कुछ हिस्सा वो कपड़ा या पेपर जो बीच का मीडियम है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है ना। तो वैसे यहां पर क्या हो गया कि मरकरी को वो टेम्परेचर सेंस नहीं हो पाता है थिक बल्ब के केस में जितना टेम्परेचर एक्चुअली होता है, ठीक है। इसके लिए क्या किया जाता है, बल्ब की वॉल को बहुत ज्यादा थिन कर दिया जाता है, पतला, इतना पतला किया जाता है कि वो टूटे ना और मरकरी के वेट को सहन कर ले जाए, ठीक है। तो एक तो ये तो इतनी चीजें हो गई, इसको कहीं नोट कर लो। अब इसके आगे देखो क्या होता है, जो मरकरी की जो प्रॉपर्टीज है ना, मरकरी की क्या प्रॉपर्टी है, सरफेस टेंशन। जब ये मरकरी एक्सपैंड होगी, ठीक है, जब टेम्परेचर हमारी बॉडी क्या है, हमारी तो 36-37 डिग्री तक चल रहा है, या फारेनहाइट में 99, 98, 90, 100 तक जाता है ना, 104, 105 मैक्सिमम जाएगा, इसके बाद तो हम खुद ही निकल लेते हैं, ठीक है, इतने पर हम लोग चले जाएंगे, हम लोग थे, ठीक। लेकिन जब इससे हाई टेम्परेचर पर 200 डिग्री फारेनहाइट, 250 डिग्री, 300 डिग्री फारेनहाइट पर अगर हम जाते हैं तो वहां क्या होता है, तब ये मरकरी का जो डेंसिटी है ये गिरने लगती है, और मरकरी की डेंसिटी गिरने के कारण क्या होगा, सरफेस टेंशन भी हाई टेम्परेचर पर जाने पर या बहुत लो टेम्परेचर पर, माइनस जैसे 1 डिग्री या 0 डिग्री टेम्परेचर होता है ना, तो हमारे स्कूलों में छुट्टी हो जाती है, उससे पहले 3-4 पे छुट्टी होने लगती है। लेकिन आप लद्दाख से अच्छी ये सब सोचिए जहां -40 डिग्री है, -45 डिग्री है, तो वहां पर जाने पर क्या होगा, मरकरी और ज्यादा कंप्रेस होने लगती है और इसकी डेंसिटी क्या होगी, बढ़ने लगेगी। तो एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पर मरकरी की डेंसिटी बढ़ने लगती है तो सरफेस टेंशन भी क्या होगा, बढ़ने लगेगा। मरकरी एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पर क्या होगा, सरफेस डेंसिटी में ज्यादा चेंज आने लगता है, जिसके कारण सरफेस टेंशन यूनिफॉर्म नहीं रह जाती है, ठीक है। तो एट वेरी हाई एंड वेरी लो टेम्परेचर,
एक्सटेंशन ऑफ मरकरी चेंजेस विद टेम्परेचर. ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, हाई टेम्परेचर मरकरी ज्यादा चढ़ने लगेगी, हल्की हो जाएगी ना, और लो टेम्परेचर पर क्या होगा, मरकरी कम चढ़ेगी. तो हाई टेम्परेचर पर क्या होगा, हाई टेम्परेचर के केस में, हाई टेम्परेचर के मेजरमेंट में क्या हो जाएगा, टी ऑब्जर्व जो होगा, यानी जो टेम्परेचर इससे ऑब्जर्व हुआ है, वो मरकरी डाइल्यूट होने के कारण क्या हो गई, ज्यादा तेजी से ऊपर चढ़ गई, यानी इट इज ग्रेटर देन एक्चुअल टेम्परेचर. और लो टेम्परेचर पर काम करने पर क्या होगा, टी ऑब्जर्व इज लेस देन टी एक्चुअल, जितना चढ़ना चाहिए था उतना चढ़े नहीं. तो ये हो गई मरकरी के सरफेस टेंशन के कारण पैदा होने वाली कमी. तो ये कुछ ऐसी, ऐसे आपको बुक्स में एक दो चार तीन दो तीन कमियां और मिल जाएंगी. यहां पर मेरा काम था आपको ऐसी चीजें बता देना जिससे आपका काम मोटा मोटा चल जाए. तो आप बुक्स पढ़ेंगे तो बुक्स में आपको एक दो इसकी एरर्स और फाइंड हो सकती हैं. तो ये हमारा क्या था, मरकरी लिक्विड बेस्ड थर्मोमीटर, जिसमें मरकरी थर्मोमीटर हम लोगों ने डिस्कस किया, इसके मेन पार्ट्स क्या होते हैं. अब ये चीज मैंने लिखी नहीं है जबरदस्ती का डिक्टेशन कि ये बल्ब होता है, इसमें मरकरी कंटेन की जाती है, ये स्टेम होता है, सेफ्टी बल्ब है. इसका काम क्या है कि इसके अंदर एयर कंप्रेस, एयर को अपने अंदर कंप्रेस कर देना, जिसके कारण मरकरी के लेवल पर इफेक्ट ना आए. ठीक है, अब देखो हाई टेम्परेचर पर क्या होगा, यहां पर जो एयर है वो भी तो एक्सपैंड होने लगती है, वो भी क्या होगी, एक्सपैंड हो जाएगी. तो उसके प्लेस पर यहां पर क्या भर देते हैं, इनर्ट गैस भर देते हैं, जिस पर टेम्परेचर प्रेशर का थोड़ा सा कम असर पड़े, है ना. तो ये थ्रू आउट चीजें थी मरकरी टेम्परेचर के बारे में. एडवांटेज हम लोगों ने देखी, क्यों मरकरी का टेम्परेचर, टेम्परेचर इसमें थर्मोमीटर में क्यों मरकरी यूज किया जाता है, ठीक है, और उसके बाद इसमें क्या क्या कमियां उत्पन्न होती है. तो थर्मोमीटर का जो कैलिब्रेशन है वो उसी हिसाब से किया जाता है, या इसका जो कंस्ट्रक्शन है ये इस हिसाब से किया जाता है कि हमें किस रेंज का टेम्परेचर मेजरमेंट करना है. ठीक है, अगला हम लोग प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक आप लेक्चर्स देखते रहिए और साथ में बने रहिए.